नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में इस देश की जानी मानी ओडिसी नृत्यांगना वाणी माधव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वाणी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच रागगिरी की सारी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो वाणी जी आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक कलाकार भी है, उसमें एक शिक्षक भी है, उसमें एक रिसर्च करने वाला व्यक्ति भी है जो इस कला के आर्ट फॉर्म के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से काम कर रहा है। तो इसलिए हमने ये तय किया कि इस इंटरव्यू को हम तीन हिस्से में करेंगे। पहले हिस्से में सिर्फ आपका जो सफर है उस पर बात करेंगे, दूसरे हिस्से में बात करेंगे इस जो ओडिसी नृत्य शैली है उस पर, और तीसरे हिस्से में जो आपका रिसर्च वर्क है उस पर, और साथ ही साथ जो मौजूदा स्थिति है ओडिसी की उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि पहला हिस्सा आपके अपने सफर पर, तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आपकी माँ वीणा बजाती थी ये तो मुझे पता है, लेकिन आपका ओडिसी में जाना कैसे वो सफर शुरू हुआ? ये सुनकर अच्छा लगा कि आप जानते हैं कि मेरी मम्मी एक वीणा प्लेयर थी। जी जी, पता नहीं कहाँ से सुना, मैं सारी इंटरव्यू में तो बताती हूँ, शायद किसी इंटरव्यू में आपने सुना। तो क्योंकि मेरी मम्मी सीखती थी म्यूजिक कॉलेज भुवनेश्वर से, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, तो वो भुवनेश्वर से सीखती थी गुरु श्री रामाराव पात्र जी से। वहाँ जो म्यूजिक कॉलेज के बाद जो जितने भी उनके सारे दोस्त थे, शायद वो सारे उड़ीसी डांसर्स थे, तो मम्मी सोच रही थी कि मैं भी अपनी बेटी को सिखाऊं। मैं छत्रपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ हमारे सुविधाएं नहीं थे कि कोई गुरु आके सिखाए, बट जो भी थे थोड़े बहुत, जब मैं छोटी बच्ची थी 4-5 साल की थी, तो वहाँ मैं सीखने जाती थी। स्लोली ग्रेजुअली जब मैं 6-7 साल की हुई, तो गुरु गजेंद्र पंडा जी वही एक छोटी सी गांव में वो भी रहते थे, उनका वहाँ पे नेटिव प्लेस है, उनको हमारे जो एक स्कूल वहाँ बनाया गया उसका नाम था कला विकास केंद्र छत्रपुर। हालांकि ये कला विकास केंद्र कटक में भी है,
जो काफी फेमस है, लेकिन हमारा जो छत्रपुर का कला विकास केंद्र है उसमें मैं पहली छात्री हूँ, और गुरु गजेंद्र पंडा जी आते थे वहां पे सिखाने। तो वहां से लेके मेरी जो जर्नी है डांस की वो शुरू हो गई। और ये मतलब ये मैं संयोग अगर ऐसा हो तो हो, लेकिन चूंकि आपसे बात करने का सौभाग्य मिल रहा है तो इसलिए पूछ लेते हैं, माँ वीणा बजाती थी इसलिए वाणी नाम पड़ा, या कोई नाम बस ऐसे रैंडम रख दिया गया, या कोई कनेक्शन है इस बात का? नहीं, मेरा नाम पहले श्रीदेवी था। तो अच्छा उस दौरान जहां हम रहते थे छत्रपुर में, एक हमारे टीचर थी, टीचर मतलब जान पहचान जो होते हैं ना अपने जो जी पड़ोसी सारे, उनका नाम सरस्वती सरस्वती था। तो मैंने सोचा मुझे श्रीदेवी नहीं चाहिए, मुझे सरस्वती चाहिए। तो सरस्वती तो काफी पुराना नाम है, तो हमारे जान पहचान लोग बोले कि वाणी रख देते, वो एक स्वीट सा नाम था। और उस दौरान ये शायद, अब तो हर सेकंड नेम एक वाणी है, बट उस दौरान शायद ये एक नया नाम उनको सूझा, तो उन्होंने सोचा कि वाणी ही रख दे। तो मम्मी की वीणा सीखने और मेरा नाम से कोई लेना देना नहीं लेकिन देखिए नाम की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पता चली। अच्छा माँ का वीणा बजाना, क्या उससे पहले भी परिवार में संगीत की कोई परंपरा थी, पिता के पक्ष से या माँ की तरफ से, या माँ बजाती थी और उसके बाद आप जो आपने उसको कंटिन्यू किया, मतलब संगीत? मम्मी बजाती थी। मम्मी हालांकि सीखी हुई थी, परस्यू नहीं की थी, जैसे मैं अभी मेरा प्रोफेशन बनाया, मम्मी ऐसा कभी परस्यू नहीं की थी। उनको शौक था तो उन्होंने सिखाए। और मेरे पापा जी जो थे वो एक गिटार प्लेयर थे, वो भी परस्यू नहीं किया। ये सारे जो शौक की वजह से उन्होंने सीखा, तो मुझे जैसे सिखाया गया और ओडिसी मैंने सोचा, और मेरे घर में भी सोच रहे थे कि ये डांस में कुछ करे ना, कि ये बस मम्मी पापा की तरह बस शौक पूरा करके घर पे बैठ जाए। तो मैंने सोचा जब सारे यही सोच रहे थे, मैं डांस में कुछ करूं, तो बस मैं हूँ, आपके उनके बाद से मैं हूँ। बिल्कुल आपके शुरुआती गुरुओं में जो आपने बताया गजेंद्र पांडा जी का नाम, अब उनकी जो तालीम रही, उनकी जो शिक्षा रही, उसके बारे में क्या कुछ याद रहता है? कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जो आपके साथ ताउम्र रहेंगी, कौन सी खास बातें आपको याद रहती गुरु गजेंद्र पांडा जी भी बहुत ही यंग थे उस दौरान जब मैं छोटी हैं? थी, तो आके सिखाते थे। शायद उनके लिए मैं पहली छात्री थी उस टाइम में। गुरु गजेंद्र पांडा जी की पहली जो शिष्या थी मैं ही थी। तो ऐसा होता है ना, जब आप खुद ही नए हो सिखाने के लिए, तो सोचना होता है कि उनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ है, तो मतलब हर एक को तो हाथ पैर पकड़ के ही सिखाते। लेकिन जहाँ कहीं पे भी मैं कॉम्पिटिशन जाती थी, अगर मैं फर्स्ट आती थी किसी चीज में, मैं फर्स्ट नहीं आती, तो उनको ऐसा लगता था क्योंकि ये कोई किसी की बेटी है, इसलिए उसको ऐसे दिया। वरना वाणी माधव, तब मैं सिर्फ वाणी थी, बाद में माधव बनी शादी के बाद, तो उसमें है जो पोटेंशियल है कि वो जीत पाई। तो उनके लिए मैं हमेशा ऊपर ही रही, इसलिए उन्होंने मुझे, भले ही ही वॉज माई फर्स्ट गुरु, क्योंकि वो यंग थे और वो ये सोची कि मुझे बड़े गुरु के यहाँ तालीम की बहुत जरूरत है, एडवांस्ड कोर्स। तो मैं उस दौरान, मेरे मामा जी रहते थे कटक में, हम हर छुट्टी में वहां जाते थे छुट्टी मनाने, और जितने भी 10-15 दिन के लिए, तो मेरे साथ वो चल पड़े, बोले तुम्हें मैं लेके। गुरु सुधाकर साहू जी थे तब, वो डॉक्टर पटनायक, डॉक्टर पटनायक धीरेन्द्र नाथ पटनायक जी के घर में रहते थे गुरु सुधाकर साहू जी। तो मेरे गजेंद्र पंडा जी मुझे लेके वहां उनसे मिलाया, तो वहाँ वो मेरे मामा जी के घर आए और मेरा डांस देखे। फिर उन्होंने कहा कि होता है ना कि आपको एकदम से आप किसी को सिखाओ तो अग्री नहीं होते, लेकिन गुरु सुधाकर साहू जी रेडी हो गए थे मुझे जो मेरा तालीम चाहिए था वो सिखाने के लिए। तो खुद ही कटक से छत्रपुर आना आने लगे उस दौरान। तो पहले हम जो मैं पहले गुरु थे वो थे गुरु गजेंद्र पांडा जी, उसके बाद जो एडवांस्ड कोर्स मुझे सिखाने के लिए वो लेके गए थे वो थे गुरु सुधाकर साहू। उनकी शिक्षा के बारे में भी निश्चित तौर पर अगला प्रश्न था मेरा, कि उनसे जब आप एडवांस एक थोड़ा सा और आगे की चीजें सीखने गई, जो और गहराई में उतरने के लिए आप उनसे सीखने गई, उनकी शिक्षा में क्या कुछ खास नजर आया? क्या कुछ एक बेहतर कलाकार बनने की तरफ, या क्या कुछ एक परिपक्व कलाकार बनने की तरफ उन्होंने किया सुधाकर साहू जी ने आपके लिए? हाँ जी, आप पूछ रहे थे पहले गजेंद्र पांडा जी के तालीम के बारे में। तो गजेंद्र पांडा जी मुझे ऐसे बनाया कि मैं एक डांसर बनी,
कॉन्फिडेंस आया और स्टेज परफॉर्मेंस देने की लायक बने। तो ये था गुरु गजेंद्र पंडा जी, और उड़ीसी में सीखी उड़ीसी क्या होता है, क्योंकि वो हाथ पैर पकड़ के सिखाए मुझे, चौक बैठना, मुद्राएं लाना कैसे और उसका डायमेंशंस होना, ये सारे था जो भी सिखाए थे वो थे गुरु गजेंद्र पांडा जी। गुरु सुधाकर साहू जी जो लेके आए मुझमें, एक हमारा जो होता है ना कि आप जो जो आइटम करोगे आप उसमें एनग्रॉस होके उसको पोर्ट्रे करोगे, ना कि बस आप जाके काम चलाने के लिए। तो गुरु साहू जी से मैंने यही सीखा कि आप जो कुछ भी करो उसको आप समझ के उसको आप उसी में एनग्रॉस, उसी कैरेक्टर में एनग्रॉस होके आप उसे पोर्ट्रे करो ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये मैंने गुरु सुधाकर साहू जी से सीखा। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब हिंदुस्तान में इसको विडंबना कह लें या ये कह लें कि एक मतलब एक ऐसा माना जाता है कि डांस या म्यूजिक या कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म, मतलब शौक तक तो ठीक है लेकिन उसमें प्रोफेशन जाकर बनाना ये बहुत बड़ा फैसला होता है। और आपने बकायदा वकालत की पढ़ाई की थी, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तो ये डिसाइड करना कि वकालत नहीं करनी है और अब मुझे ये इसी को प्रोफेशन बनाना है। और जो बड़े बड़े डांसर्स कहते हैं, सोनल जी कहती हैं कि मैंने फाइनली एक दिन डिसाइड किया कि मुझे डांस ही करना है, डांस भी नहीं करना, तो ये फैसला आपने कैसे किया? जैसे मेरी शादी काफी छोटी सी उम्र में हो गई थी कि हम जैसे 23 साल में हो गई एकदम से, आप पढ़ाई खत्म करके आप इस डिले में होते हो, अगर एक ही प्रोफेशन होता तो आपको कोई डिले में नहीं होता, हाँ मुझे उसी में ही जाना है उसी में जाना है। जब इधर आपने डांस भी बचपन से सीख लिया है, उसके भी सारे इतने सारे जो है हमारे एग्जाम्स हुए वो भी कर लिए, क्वालिफाइड डांसर भी आप हो गई थी उस दौरान, और ये LLB भी उसमें भी मैं एनरोल कर चुकी थी हैदराबाद हाईकोर्ट में, ऊपर से मैंने वहां पे भी पढ़ी थी, जब हैदराबाद उड़ीसा में शिफ्ट हुई ट्रेड विंग्स में मैं डिप्लोमा कर चुकी थी ट्रैवल का। तो ये तीनों रास्ता है मेरे सामने था, और हालांकि मैं वहां पे नौकरी भी कर चुकी थी वो ट्रैवल मैनेजमेंट का 1.5-2 साल की। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि इधर जाना है उधर जाना है किधर जाना है एक जगह, तो मैं डांस भी कर रही थी साथ साथ, तो उन्होंने कहा तुम्हें अगर कोई भी चीज करना है उसमें तुम्हें 100% देना है, इसमें अगर 25% जाओगे उसमें 25% जाओगे, आगे 50% जाओगे तो किसी कोई भी चीज आप नहीं कर पाओगे, यू नीड टू गिव योर 100% ऑन वन थिंग। तो मैं बैठ के सोची कि क्या करूं, शुड आई गो टू, क्योंकि उस दौरान जो मैं जिसके अंडर एनरोल हुई थी, भले ही हाईकोर्ट में आप एनरोल हो लेकिन आपको एक वकील के अंडर एनरोल होना होता है, तो वो एक फिल्म पर्सनालिटी थे तो काफी मुझे पसंद करते थे क्योंकि मुझमें भी आर्ट था और उनमें भी आर्ट था, तो मैंने सोचा कि अगर 100% देना है तो मुझे शायद इसी में जाना है, क्योंकि एक सोल से जुड़ जाता है, ये एक पूजा है, डांस मेरे लिए एक पूजा है, तो मैं पूजा जैसे सुबह शाम भगवान को करती हूँ वैसे मैंने सोचा इसको छोड़ दूंगी तो शायद ही रिग्रेट कर जाऊं, तो मैंने सोचा इसी को ही, मेरे पूजा को ही मैं अपनी जिंदगी मान के चल पड़ी। मेरा अगला प्रश्न यही था कि नृत्य है क्या आपके लिए, लेकिन आपने बहुत ही संक्षेप में लेकिन बड़ा ही गहराई से जवाब दिया कि नृत्य आपके लिए पूजा है। तो इस हिस्से का आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि इस पूजा की साधना में, यानी नृत्य के आपके का जो सफर अब तक रहा है, उसमें कभी कोई चुनौती भी रही, बचपन में कोई चुनौती रही हो या सीखने के दौरान कोई चुनौती रही हो, या सब कुछ बहुत ही आराम से स्मूथ राइड की तरह से चलता रहा? चैलेंजेस भी रहे क्या कुछ कभी? बहुत चैलेंजेस होते हैं। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे डांस के लिए ही NCC, हमारा NCC होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, तो उस दौरान मुझे सिर्फ NCC में, मैं ट्रूप लीडर भले ही थी लेकिन मुझे हम किसी को भी एक बार मौका मिलता है कि आप NCC के थ्रू कहीं आप कैंप में जाओ, तो मैं राजस्थान, मैं हालांकि छतरपुर से बिलोंग करती थी, पहले हम भुवनेश्वर गए थे उसके बाद उदयपुर गए थे फिर मैं ऊटी गई थी, दो बार किसी को मिलता नहीं, मुझे इसलिए दोबारा मिला मौका क्योंकि मैं डांस करती हूँ, तो मुझे डांस के लिए लेके गए थे तो लोगों ने यही कहा हाँ इसको मौका मिल, लोगों मतलब मेरे ही क्लासमेट सारे होते हैं जो एक ही बार उनका मिला दूसरी बार नहीं मिला, तो उनको पहले आपको भुवनेश्वर में करना होता है, भुवनेश्वर के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो नेक्स्ट जो राउंड उदयपुर में वही डांसर्स करेंगे जो सेलेक्ट हो गए आर्टिस्ट, नॉट ओनली डांसर्स आर्टिस्ट, तो मैं सेलेक्ट होगी वहां कहीं, तो मेरे गए तो सेलेक्ट नहीं हो पाए,
तो उनके लिए वो था मेरे लिए, वहां से शुरू हो गया है कि भाई इसमें कुछ हो रहा है उसमें कुछ हो रहा है। मेरे गुरु जी को भी काफी कुछ सुनना पड़ा, गुरु गजेंद्र पांडा जी को उस दौरान। तो ये बोलते हैं ना कि जब आप किसी सक्सेस की सीढ़ी चलते हो तो आपको ये साथ साथ आप इसको भी लेके जाना होता है, वो एक आदत सी हो गई। हर एक स्टेप में एक चैलेंज होता है, वो चैलेंज को कैसे हम क्या करते हैं, उसको लेके चलते हैं या उसके वो समेट के चलते हैं, जो भी आप कहें, तो हम साथ साथ चलते हैं दोनों। हमारा सक्सेस और ये चीजें चैलेंजेस सारे दोनों एक साथ चल पड़ते हैं। वाणी जी के साथ इस बातचीत में यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं। कल रात हमसे फिर जुड़िएगा ठीक 9 बजे और दूसरे हिस्से में इंटरव्यू के हम बातचीत करेंगे इस डांस फॉर्म के बारे में, यानी जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें ओडिसी नृत्य जिसकी कलाकार वाणी जी हैं, उनसे जानेंगे इस नृत्य के बारे में विस्तार से बहुत कुछ।